एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सभी लोग बहुत 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 अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, अभी इवनिंग के बज रहे हैं, 4:30 बज रहे होंगे और मैं जा रही हूँ थोड़ा सा मार्केट कुछ काम से, बच्चों का ही कुछ लेने जा रही हूँ। तो बस यहाँ पर रेडी हो रही हूँ और थोड़ा सा लगा रही हूँ अपनी सनस्क्रीन। और आज मैंने सोचा कि इवनिंग से अपना ब्लॉग स्टार्ट करती हूँ। हेलो माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सभी लोग बहुत 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 अच्छे होंगे, जहाँ कहीं भी होंगे सुरक्षित होंगे। और जितने भी आप लोग कमेंट करते हो ना, वो मन की आंखों से आप लोगों को मैं देख लेती हूँ। मतलब जिसके जैसे कमेंट होते हैं उसको पता नहीं क्या हो जाता है, मतलब नाम से ही उसकी सीरत मन में बस जाती है। तो बहुत प्यारे प्यारे आप लोग कमेंट करते हो, थैंक यू सो मच। और आज मैं ब्लॉग अपना स्टार्ट कर रही हूँ इवनिंग से, क्योंकि आप लोग हमेशा कहते हो मॉर्निंग से ही आपके ब्लॉग स्टार्ट होते, तो मैंने सोचा चलो मैं अपना ब्लॉग इवनिंग से स्टार्ट करती हूँ। तो अभी मैं रेडी हो गई हूँ, जा रही हूँ मार्केट, जाना है नाइशा के लिए, ड्रेस लेकर आनी है। और उसके पास ना, मुझे भी सबको पता है स्कूल की ड्रेस, नायसा कह रही है स्कूल की ड्रेस, तो स्कूल की ड्रेस लाना है। और पतिदेव जी कर रहे हैं वेट, तो उससे पहले मैं थोड़े से अपने कपड़े ऊपर डाल के चलती हूँ, नहीं तो फिर टाइम निकल जाएगा। अभी 4:30 या 5 बज रहे होंगे, तो तब तक 7 बजे तक कपड़े आराम से सूख जाएंगे। तो चलो चलते हैं। फ्रेंड्स, यहाँ पर कपड़े मैं डाल देती हूँ अपने, उसके बाद में नायशा की एक ड्रेस तो आ गई है, वो थोड़ा सा छोटी लग रही है, तो दूसरी ड्रेस हम लोग आज लेने जा रहे हैं, जो मतलब फिट हो नायशा के लिए, थोड़ी सी बड़ी हो। जो पिछले साल वाली है ना, वो नायशा की ड्रेस छोटी है, तो इसलिए हम लोग जा रहे हैं दूसरी ड्रेस ख़रीदने। और यहाँ दीदी के कपड़े हैं, आज उन्होंने बहुत सारे कपड़े धोए हैं अपने, तो बस इन्हीं को मैं साइड में करती जा रही हूँ। अभी टाइमिंग भी देख सकते हैं, 4:30 बज रहे होंगे, तो ये कपड़े भी फटाफट से सूख जाएंगे। और बस हम लोग अब निकल गए हैं। यहाँ पर जिस काम के लिए हम आए थे, नायशा की ड्रेस के लिए, तो वो चीज़ तो हमें मिल नहीं पाई, दुकान बंद निकली। और नायशा को यहाँ पर गन्ने का जूस पीना था। नायशा को क्या कुछ भी नहीं पीना रहता है, बस उनको शौक लगा रहता है कि ये खाना है वो पीना है। नायशा ने बिल्कुल भी गन्ने का जूस नहीं पिया, तो मैंने कहा चलो हम ही पी लेते हैं। तो गाइस, नायशा के लिए हम लेने आए थे ड्रेस स्कूल की, तो वो तो नहीं मिल पाई, गन्ने का जूस पीने लगे। बस गन्ने का जूस पी के सीधे हम लोग निकल जाएंगे घर के लिए। और राम मंदिर, ये हमारे घर के पास में ही है, राम मंदिर है ना, ये राम मंदिर एरिया है ना, हाँ 80 फीट के आसपास। फिर मार्केट में नहीं गए कि वहाँ भी शॉप नहीं खुली होगी, क्योंकि आज है संडे। तो चलो मैं अपना जूस पी लेती हूँ, उसके बाद आप लोगों से मिलती हूँ। फ्रेंड्स, घर आते ही हस्बैंड बनाने लगे हैं अनिक के लिए बनाना शेक, क्योंकि वो दूध वगैरह हम लोग उसको कुछ भी देकर नहीं गए थे, और नायशा के लिए, क्योंकि नायशा ने बिल्कुल भी गन्ने का जूस नहीं पिया था। और अनिक के पापा को लग रहा है कि बच्चे कमज़ोर होकर आए नानी घर, तो बहुत ध्यान दे रहे हैं इस वक्त बच्चों पर। और ऐसा होता ही है, बच्चे नानी घर जाते हैं तो बहुत कम ही मोटे होते हैं, मम्मियाँ मोटी होकर आ जाती हैं, बच्चे कमज़ोर रह जाते हैं। हर बार इनको यही लगता है कि बच्चे कमज़ोर होके आए, तो मैंने कहा ठीक है आप ध्यान रखो अब बच्चों का। तो यहाँ पे बच्चे मिल्क शेक पी रहे हैं। फ्रेंड्स, फिर मैं आ गई थी हाथ मुंह धोकर, और यहाँ मैंने साड़ी नहीं चेंज करी थी, क्योंकि मुझे ऐसा कुछ लगा ही नहीं कि मैं बाहर गई हूँ बहुत पब्लिक एरिया में। मैं सीधे गाड़ी पे बैठ के फिर घर आ गई थी, बस गन्ने का जूस पीने के लिए रुकी थी। और फिर यहाँ पे मेरी हो रही है अब आरती। आरती नहीं करती हूँ, सिंपल ऐसे ही मैं दिखा देती हूँ। और तो
तो फ्रेंड्स संध्या आरती वगैरह कर दी है। शाम के टाइम मैंने आप लोगों को कई बार बताया है कि आरती वगैरह नहीं करती हूँ, सिर्फ दीपक वगैरह लगा के रख देती हूँ क्योंकि सुबह ही बहुत ज़्यादा टाइम हो जाता है। तो चलो अब नीचे चलती हूँ, 7 बज चुके हैं, खाने की तैयारी करती हूँ। रूम की लाइट बंद कर दो, फालतू में जलती रहेगी, छोटी वाली ऑन कर देती हूँ। बड़ी वाली बंद कर देती हूँ क्योंकि वैसे ही फिर रूम गर्म हो जाएगा। चलो भाई नीचे चलते हैं। तो आज खाने में बना है फ्रेंड्स गिलकी की सब्जी, और ये बनाई है मैंने थोड़ी सी लौंजी, और लौंजी मैंने बना दी सब्जी मम्मी जी ने बना दी थी, तो मैंने कहा मैं अपने जो एक्स्ट्रा काम है वो कर लेती हूँ। जैसे आज घी ख़त्म हो गया है तो मैं ये मलाई जमा देती हूँ और सुबह इसका घी निकल जाएगा। तो पहले मैं क्या करती हूँ, थोड़ा सा इसको चला लेती हूँ गैस पे रख के, जिससे थोड़ी सी गर्म हो जाए। फिर इसके बाद में थोड़ा सा दही डाल के बाहरी रखती हूँ, और सुबह बहुत अच्छी इसमें मक्खन निकल आता है, और जो छाछ वगैरह निकलता है उसकी हम कढ़ी वगैरह कुछ भी बना लेते हैं, या फिर ऐसे ही रायता वगैरह कुछ भी बना लेंगे। और यहाँ मैं तब तक आटा वगैरह सब लगा कर रख दूँगी, और उसके बाद जो भी मुझे कुछ लगेगा कि अभी काम है एक्स्ट्रा तो वो मैं कर लूँगी। तो यहाँ पर मैंने सबसे खाने के लिए पूछा था तो अभी सब ने मना कर दिया था कि 9 बजे तक खाना खाएंगे। तो जब से मैं आई थी तब से अनिक नाइशा की अलमारी सेट नहीं कर पाई थी ऊपर, तो मैंने सब कुछ सेट कर लिया था। तो यहाँ मैं सेट कर रही हूँ अनिक नाइशा की अलमारी, जो कि मैंने नीचे ले आई थी। नाइशा के पूरे नए कपड़े, अनिक के तो नए कपड़े उसके पापा की अलमारी में हैं, नाइशा के मैंने नीचे रख दिए हैं। जितना नाइशा का मेकअप का सामान है वो भी सब नीचे ही है, और जो भी कपड़े थे ना जो लेकर गई थी मैं घर, सारे के सारे कपड़े मैं वहीं से धुलकर लेके आई थी। बस बैग वगैरह मैंने यहाँ आने के बाद में धोए हैं। तो बस नाइशा की जो बहुत फूली फूली फ्रॉकें हैं ना, तो वो मैंने इस कंडिया में भर के रखी है क्योंकि वो जगह बहुत घेरती हैं, अलमारी में इतनी जगह रहती नहीं है। और देख सकते हैं मुझे इसी तरीके से अपना काम बहुत अच्छा लगता है कि सब कपड़े वगैरह सिस्टमेटिक तय बना कर रखे रहें। तो इसमें अनिक के डेली वाले कपड़े हैं, नाइशा के नए और जो डेली वाले वो भी रख दिए हैं। और दिखाती हूँ आपको नाइशा का सामान कि बैग देख सकते हैं कितने सारे हैं, इसमें अनिक का कुछ भी नहीं है, सब कुछ नाइशा के हैं। ये मेकअप के सामान 2, 3, 4, 6 पर्स हैं, और 2 पर्स अभी ऊपर पड़े हैं, जितने मम्मा के पास में नहीं उनके उतने नाइशा के पास में हैं। तो यहाँ पर नाइशा को मैंने खाना खिला दिया था, और आजकल नाइशा की कुछ इतनी अच्छी आदत पड़ गई, खाना खाने के बाद तुरंत ब्रश करती हैं। और ये इनका ना बच्चों वाला पेस्ट है, तो इनको कुछ ज़्यादा ही नाइशा को शौक चढ़ा है, जैसे ही खाना खाती हैं तुरंत ही ब्रश करने के बाद ही सोती हैं। तो यहाँ मैं आप सबके लिए खाना बना रही हूँ, फटाफट से रोटियाँ बनाती जा रही हूँ और एक तरफ सबको देती भी जा रही हूँ। फ्रेंड्स सबको खाना खिला कर और ख़ुद भी मैंने खाना खा लिया है, तो यहाँ मैंने अपने कपड़े वगैरह सब चेंज कर लिए और हाथ मुंह धोकर और हाथ पैर वगैरह सब धुलकर अब आ गई हूँ रूम में, क्योंकि ऐसे मुझे नींद बिल्कुल भी नहीं आती कि जैसे दिन भर कपड़े पहन के रहो और वही कपड़े पहन के सो जाओ। तो कपड़े तो मैं डेली ही शाम को ज़रूर चेंज करती हूँ हाथ पैर धुल के, तभी मुझे नींद आती है। और अभी मैं अपनी चोटी भी बनाऊँगी कस के, क्योंकि कल एकादशी है, फिर मैं चोटी नहीं बना पाऊँ क्योंकि कल मैं बाल नहीं काटती हूँ। और यहाँ मैं डाबर का गुलाबरी आता है ना गुलाब जल, तो उसी से मैं स्प्रे कर ले रही हूँ, और फिर इसको ना अच्छे से जो कॉटन के जो पैड होते हैं ना उसी से मैं क्लीन कर लेती हूँ, और जो भी चेहरे पे डस्ट वगैरह रह जाती है वो सब निकल आती है। मैं आपको दिखाती हूँ कि मतलब फेस वॉश करने के बाद भी चेहरे पे कितनी डस्ट रह जाती है। तो बस एक बार मैं फिर से स्प्रे कर लूँगी और फिर इसके बाद अपनी जो नाइट क्रीम है वो लगा के सो जाऊँगी। और मुझे लगता है कि इसको लगाने के बाद शायद मेरी स्किन और ड्राई होने लगी है, पता नहीं, अभी मैंने 2 दिन ही ट्राई किया है इसे। तो फ्रेंड्स देख सकते हैं अभी मेरे चेहरे पर गुलाब जल मैंने स्प्रे करके ऐसा रात भर के लिए मैं छोड़ देती हूँ, एक बार क्लीन कर लेती हूँ, देखा कितनी ज़्यादा डस्ट निकली है। ये है डाबर की गुलाबरी, मैं इसका
अभी मैं यूज़ करना स्टार्ट किया है, देखो ख़त्म भी नहीं हुई है, तो मुझे बहुत अच्छी लगी। तो चलो मैं अपने ब्लॉग का यहीं पर एंड करती हूँ, कल के ब्लॉग मिलती हूँ, क्योंकि मॉर्निंग मुझे जल्दी उठना है, बच्चे मेरे स्कूल जाएंगे और दोनों बच्चे मेरे इस वक्त सो चुके हैं। और अगर ब्लॉग पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।